और सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग के जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। ड्राइंग का बहुत ज़्यादा काम होता है सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप स्केल्स बनानी पड़ती हैं, बिल्डिंग के डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने पड़ते हैं। बिल्डिंग सिविल इंजीनियरिंग में कितना एस्टीमेट होता है वो चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती है, रेट एस्टीमेट करने पड़ते हैं। और अर्थक्वेक के अर्थक्वेक में कितना आपको कितना अर्थक्वेक में रखना है बिल्डिंग को, वो चीज़ें देखनी पड़ती है। मौसम के हिसाब से सिविल इंजीनियरिंग के डिज़ाइन किए जाते हैं, एरिया को देख के सिविल इंजीनियरिंग के डिज़ाइन किए जाते हैं, लोकेशंस को देख के जाते हैं, प्लेन एरियाज हिल एरियाज को देख के डिज़ाइन किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग आज की डेट में इतनी वाइड स्कोप हो चुके हैं कि आप अगर सिविल इंजीनियरिंग के बारे में थ्योरी सुनोगे कि सिविल इंजीनियरिंग के बारे में क्या है, तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि सही में सिविल इंजीनियरिंग तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपके दिमाग में ये ऐसी चीज़ें चली जाएगी कि आप सही में सोचोगे कि ये सिविल इंजीनियरिंग तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें पूरी दुनिया बसी हुई है, जिसमें आप पूरी दुनिया को एक दुनिया को आप ही तैयार कर रहे हो, या आप ही दुनिया को एक क्रिएट कर रहे हो कि एक नई दुनिया आप ही बना रहे हो, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत माइल स्टोन है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग एक बहुत ही अपने लिए एक खुद एक किस्मत वाले मानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग उन्होंने की है। और सिविल इंजीनियरिंग करके उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है जो कि ज़िंदगी में एक उनका जन्म ही सिविल इंजीनियरिंग के लिए हुआ था। इस चीज़ को इस तरह से रखा जाएगा। आप सिविल इंजीनियरिंग के बारे में और चीज़ें देखोगे तो सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज़ बन चुकी है कि आप सिविल के बिना कोई और काम शुरू नहीं कर सकते। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए कुछ काम करना है तो सिविल इंजीनियरिंग एक बेहद ही बहुत ही अगर आपने छोड़ दिया ये पार्ट, तो आपको पछतावा होगा कि आपने सिविल इंजीनियरिंग को चूज़ नहीं किया, या सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से कोई काम नहीं किया जो कि बाकी जगह पे हुआ और उनकी जगह पे नहीं हुआ। सिविल इंजीनियरिंग इसलिए इतनी ज़्यादा पावरफुल और इतनी अच्छी लाइन बन चुकी है कि आज हर बंदा सिविल इंजीनियरिंग के बारे में सोचता है कि ये सबसे सही चीज़ हो गई इंडिया में कि ये सिविल इंजीनियरिंग हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग इसलिए हो गई क्योंकि इसी कारण से सिविल इंजीनियरिंग बढ़ी कि आने की ये तो बहुत ही अच्छी है, इसलिए नहीं बढ़ी कि आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है, पर इसलिए बढ़ी कि इससे आप कितना ज्ञान कितनी नॉलेज आपको होगी और दुनिया के बारे में कितनी चीज़ें आप अच्छे से हो सकते हो और बाकियों के मुकाबले में आप खड़े हो सकते हो। जिन्होंने इंजीनियरिंग की है उनके साथ आप हाथ या कंधा से कंधा मिला के चल सकते हो, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में सिविल इंजीनियरिंग को इतना ज़्यादा पॉपुलर कर दिया कि आज के ज़माने में हर बंदा सिविल इंजीनियरिंग करना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि जो कुछ स्टूडेंट्स रहे पिछले, उन्होंने इतनी ज़्यादा पॉपुलर कर दी सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, इतना ज़्यादा बताया कि सिविल इंजीनियरिंग को अपने आप पर प्राउड महसूस होने लगा कि हाँ, उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करके बहुत प्राउड किया।